खबर करौली से है, जहां पर वजीरपुर गेट क्षतिग्रस्त होने की आशंका के चलते लोगों में भय का माहौल है। पत्थर टूटकर गिरने से हादसे की आशंका बनी हुई है। बताया जा रहा है कि शहर में 7 मुख्य गेट रियासतकालीन समय से बने हुए हैं। इसी के साथ बता दें कि वजीरपुर गेट के ऊपर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है, जिसके बच्चों की जान पर खतरा बना है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो करौली का ये वजीरपुर गेट इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो रियासतकालीन बना हुआ है और इसके ऊपर एक स्कूल भी संचालित हो रहा है। वजीरपुर गेट जो कि जगह जगह से क्षतिग्रस्त, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खतरा लगातार बच्चों पर भी बना हुआ है और जो राहगीर इसके अंदर से गुजरते हैं उन पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। किसी तरह से स्थिति का ना तो जायज़ा लिया गया और ना ही कोई सुधार किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया। पुष्पेंद्र, वजीरपुर का जो गेट दोनों तरफ से खतरा बना हुआ है, ऊपर विद्यालय संचालित हो रहा है, बच्चों की जान को खतरा है और नीचे जो राहगीर गुजर रहे हैं उनको भी खतरा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कोई सार संभाल प्रशासन की ओर से अभी की जा रही है इसकी? जी देखिए, करौली में जो वजीरपुर गेट है, मैं आपको बता दूं कि करौली के अंदर रियासतकालीन समय से लगभग 7 गेट हैं और करीब 1 दर्जन जो है खिड़कियां हैं, ये विरासतकालीन के वक्त की हैं। और जो वजीरपुर गेट की हम बात करते हैं तो इसकी जो है बीच में से जो गेट के जो बीच में जो एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट के जो है पत्थर को जो है टूट चुके हैं और बराबर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर गिरना भी शुरू हो चुके हैं। जहां से जो है मदन मोहन जी मंदिर के लिए हजारों भक्त जो है रोज दर्शन करने के लिए निकलते हैं, हम बात करें तो आमजन भी जो है मार्केट में सामान लेने के लिए जो है बाजार जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि गेट के ऊपर और बगल में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो विद्यालय में जो है आवास प्रवेशित हैं और वो बच्चे उसी स्कूल से जो है बाहर निकलते हैं और भीतर भी जाते हैं। तो बहुत बड़ा जो है एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है एक सवालिया निशान खड़ा होता है। इस गेट की स्थिति पर क्या कहना है, उनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, जो नगर परिषद के जो आयुक्त हैं उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा हम इसको दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। ठीक है, और कब तक सुधार कर लिया जाएगा उसके बारे में कोई बात? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, करौली नगर परिषद के जो हालात हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर परिषद के वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, वो जो है बस नियम की बात करके मामले को टालने में ज्यादा विश्वास। ठीक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया इस गेट की दुर्दशा को देखते हुए भी इस समय प्रशासन का बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी, आश्वासन तो दिया गया है कि जल्दी सुधार किया जाएगा, कब तक सुधार होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए।